अमेरिका के न्यू जर्सी के इस फुटबॉल मैदान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दो हाई स्कूल के बीच चल रहे फुटबॉल मैच में एक शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मैदान में अफरा तफरी मच गई और खिलाड़ी और दर्शक अपनी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागते नजर आए। अचानक हुई इस गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका में हाल ही में स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों में गोलीबारी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2017 में गोलीबारी में अमेरिका में लगभग 40,000 मौतें हुई हैं। यह आंकड़ा 50 सालों में सबसे ज्यादा था। पिछले महीने ही टेक्सास के मिडलैंड और ओडेसा शहर में गोलीबारी में 5 लोग मारे गए थे और गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अमेरिका में बंदूक रखने से संबंधित कानूनों को कड़ा करने की मांग भी उठ रही है।